और दोस्तों भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि हेल्थ में काफ़ी समस्या रहती है, समाज कार्य करने की इच्छा है, क्या आगे चल के करना इनके लिए अच्छा रहेगा, ओल्ड एज कैसा है, एज कैसा है और नया घर लेने के क्या योग हैं। सबसे पहले पाम के ऊपर में जब इस तरह की बहुत सारी वरी लाइन हमें देखने को जब मिलती है तो यह हमेशा लाइफ में होने वाले स्ट्रगल, स्ट्रेस और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को ही डिनोट करती है। सबसे ज़्यादा इन राहु लाइंस ने लाइफ लाइन को ही अफेक्ट किया है, देन आफ्टर स्लाइटली लेवल पे लक लाइन को भी अफेक्ट किया है, जिसके कारण करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाई या करियर डेवलप ही नहीं हो पाया। और दूसरा, लाइफ एनर्जी को ये लगातार वीक करते गया, जिसके कारण जो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन किसी काम में होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए जो बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होने चाहिए, वो सब तरह की चीज़ों में बेहद कमजोरी रही। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी लाइफ लाइन आपको इस जोन में डिस्टर्ब दिखेगी। एक तो डबल लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको स्लाइटली लेवल पे दिखेगा और उसी में से बहुत सारी वरी लाइन लगातार यहाँ पर काट के जा रही है, कोई सपोर्टिव मेजर लाइंस भी नहीं है। तो यही कॉम्बिनेशन मेजर हेल्थ इश्यूज को डिनोट करता है, जिसमें एनर्जी बहुत लो लेवल पर जाती है और छोटी मोटी समस्याएँ लगातार देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये समय इनके जीवन में अप्रोक्सीमेटली 29 प्लस का रहा और यह यहाँ पर जो एंड होने जा रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 44-45 का ही समय है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे ही 45 यहाँ पर टच होने जा रहा है, उसी समय पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन क्रिएट हुई है और जैसे ही ये सपोर्टिव लाइन क्रिएट हुई है, इसके बिल्कुल पैरेलल मल्टीपल लाइंस और ज़्यादा डेवलप होना शुरू हुई है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है, इसका तात्पर्य होता है सपोर्ट लेवल में इंक्रीजमेंट होना। जैसे अपने घर परिवार का, मित्र यार का या दूसरों का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना। दूसरा, यह मंगल रेखा के अतिरिक्त आता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिसके कारण लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो डबल लाइन का फॉर्मेशन था वो पूरा ख़त्म हुआ है और उसके बाद लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ा है। अब अगर इनको फिर से हेल्थ इशू आना है तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 61-62 के बाद में आ सकता है, क्योंकि उस समय लाइफ लाइन फिर से बिखरी है, थोड़ी कमज़ोर हुई है। तो इस समय पर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। एक राग है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, इनको डेली बेसिस पे वह सुनना चाहिए। दूसरा, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ईस्ट जोन में लगातार दिया जलाते रहना चाहिए। यह चीज़ अमावस्या से शुरू करना है, कैसे करना है वो आपको बतलाया जाएगा, ताकि इनके हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ना आ सके और जितने भी डिज़ायर, एम्बिशंस लाइफ को लेकर के है वो फुलफिल हो सके। क्योंकि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण रेखा फैलती है, जैसे जीवन रेखा, तो इस कंडीशन में अपने खुद ही के सर्कमस्टांसेस से उभर नहीं पाते, जिसके कारण और कोई पर्टिकुलर डिज़ायर, एम्बिशन, गोल कर नहीं पाते कम्प्लीट। तो यहाँ पर वह ईस्ट में दिया जलाने से एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा हो सकेगा, जिसके कारण इनके जीवन में जो बाधाएँ हेल्थ के रिगार्डिंग बन करके बार बार आती हैं ये यहाँ पर ख़त्म हो सकेगी। और बीच का जो समय है, यानी 45 से लेकर के 60 तक का, ये बहुत अच्छा समय इनका दिखाई दिया है, क्योंकि इसी समय पर बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही हैं, जो ट्रैवलिंग को, लाइफ में नए नए तरह के इम्प्रूवमेंट को, नए नए तरह की चीज़ों को सीखने के योगों को इंडिकेट करता है। और उन्हीं सब के अतिरिक्त जब भी स्लाइटली लेवल पर ट्रायंगल का साइन बन जाता है, जैसे यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, तो यह यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 50 तक आते आते इनके घर बनने के योग, यानी एक तरीके से घर का सुख और तमाम तरह का वह सुख जिसमें इनके पास खुद की छत हो, खुद का कारोबार हो, काम काज हो, हर विषय में लाइफ में सिक्योरिटी आ जाए, ये सब 50 के एज में प्रोमिनेंटली इंडिकेट हुआ है। यह चीज़ और भी जल्दी हो सकती है, जैसे 47 and 8 के एज में, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकेंगे तो बहुत छोटे से स्तर का ट्रायंगल का साइन बन सकता है, अभी बना नहीं है, थोड़ी और अगर रेखा इस तरह से मजबूत हो गई तो यह सुख जो 50 के बाद मिलता दिखाई दे रहा है, हमें 2 साल के अतिरिक्त ही देखने मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं, ये सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। बाकी समाज कार्य करने की जो इच्छा बल आई है वो जुपिटर की आड़ी रेखा के कारण आई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक बहुत ज़्यादा सिंपथेटिक और काइंड हार्टेड टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर के निकट देखने को मिलते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति जन्मजात आती है, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, बहुत ज़्यादा करुणा दया भाव रखना, एनिमल लवर होना और जीवन में सर्वाधिक सुख अपने आप को उपयोगी बना करके ही ऐसे जातक कर पाते हैं, ले पाते हैं। बहुत ज़्यादा आनंद और सुख में तभी होते हैं जब इनके द्वारा कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा भागीदारी अदा किया जाए दूसरों के जीवन में। इसीलिए ऐसे जातक सामाजिक स्तर पर कार्य करते हुए, एनजीओस खोलते हुए, किसी ट्रस्ट से जुड़ते हुए, बहुत अच्छे पद पर विराजमान होते हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये उद्धार कर सके, क्योंकि यह आड़ी रेखा हमेशा दूसरों के लिए समर्पित बनाती है। तो ईश्वर के निकट इसीलिए होते हैं ऐसे जातक क्योंकि बहुत साफ सुथरे दिल के सर्वप्रथम होते हैं। कोई ऐसा छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, सबके लिए एक नजरिया होता है, दूसरों का कष्ट पीड़ा समझने वालों में से होते हैं। तो इनको तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इनको टीचिंग को भी अपने लाइफ में ऐड करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर बहुत स्ट्रांग कंडीशन में जा रहा है और अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत जल्दी इनके रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन बन सकता है। और यह चिन्ह जैसे ही बनता है तो उसके बाद में इनको हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग, प्रॉस्पेरिटी सब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रोमिनेंटली लाइफ में आ जाएगा। तो इसीलिए जुपिटर को यहाँ पर आपको हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, इसके लिए हमेशा सत्संग यहाँ सुनना या करवाते रहना चाहिए, सामाजिक तौर पे कोई भी सम्मेलन बड़े बड़े इवेंट्स में कराते रहना चाहिए। ये सब तरह की चीज़ों में आपका रुतबा सम्मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो आंतरिक रूप से खुशी होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर सर्वप्रथम खुशी और आनंद के भी कारक हैं। तो जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद चाहिए तो आपको समाज के लिए या बड़े बड़े तरह के समूह या इवेंट्स में इन्वॉल्वमेंट अपने आप का रखना ही चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपके द्वारा भागीदारी इन सब विषयों में बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका उम्र, आपका भाग्य, आपका वैभव, कीर्ति, इच्छा पूर्ति सब कुछ उसी रफ्तार से बढ़ने वाला रहेगा। तो इसके लिए आपको गुरुवार के दिन खासकर केले का और पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। तो वहाँ से इन सब चीज़ों की आप शुरुआत करिए, अपने जुपिटर को एक्टिव करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वैसे भी 46 के एज के बाद में बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे स्क्वायर का साइन तो मौजूद है ही, और थोड़ा सा ये मजबूत होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद अगर हम एज की बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो भले ही थोड़ा बिखरा हो, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में शुक्र की तरफ झुक गया है, जिसके कारण ये 82 प्लस के एज को इजिली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो सैटर्न की अपनी खुद की रेखा भी मौजूद है। दूसरे यहाँ पर हम देखेंगे तो जो सपोर्टिव लाइन यहाँ से क्रिएट होना शुरू हुई है, ये लगातार और मजबूत और बढ़ती ही जा रही है। तो भरपूर मात्रा में सेवा मिलना, अपने बच्चों से, दूसरों से प्यार दुलार मिलना, बहुत ज़्यादा सहयोग समर्थन मिलना, एक दृश्य अदृश्य शक्ति हमेशा जीवन में मौजूद रहना, ये सारी चीज़ें इनको रिसेंटली पिछले 4 से 5 महीने पहले से भी कहीं ना कहीं अनुभव होना शुरू हो चुका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन एक्टिव हुई है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती चली जा रही है। तो अभी इन सब का असर हमें और गहराई से देखने को मिलेगा कि मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल जैसी चीज़ों से बाल बाल बचेंगे। पहले से ही सही ढंग से सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या प्रिकॉशंस इनके लाइफ में मेंटेन होने लगेगा। तो इसी कारण से यह उम्र को भी बढ़ा रहा है, हेल्थ को भी अच्छा कर रहा है, और लाइफ लाइन का सबसे जो मेन काम होता है कर्म बहुत सही ढंग से करना। तो अपने तमाम तरह की इच्छाओं को पूर्ण कर पाने में अब यह अपने जीवन में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिंगर के जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, और थंब का साइज़ यहाँ पर लॉन्ग है। जब भी इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लाइफ में सीरियस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कूल काम होते हैं। सीरियस का तात्पर्य ये नहीं कि सीरियस जोन में रहना, हमेशा मुंह बना करके रहना, लेकिन हर विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी पाए जाते हैं। जीवन में किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करते, हर बात के जड़ तक जाते हैं, कूल कामली रह करके यानी स्टेप बाय स्टेप हर तरह के काम को करना पसंद करते हैं। और लॉन्ग टर्म यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कह सकते हैं यहाँ पर ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी दे रहा है, मजबूत किस्म का मानसिकता और चरित्र भी दे रहा है। तो ऐसे जातक वो होते हैं जो झुकने में विश्वास नहीं रखते, कर्म में या फिर अपने आप को सही ढंग से साबित करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनका अगर ईगो हर्ट हुआ तो फिर ये कुछ भी कर जाने में फिर सक्षम देखने को मिलते हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमेशा इनको लाइफ में मजबूत बना रहा होता है, इसलिए जीवन में हर तरह की विपरीत परिस्थिति इनको और ज़्यादा ऊपर उठाने, और ज़्यादा आंतरिक रूप से मजबूत करने, और ज़्यादा अपने जिद को पूरा करने के लिए आती है। तो इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में मिक्स टाइप का नेचर 100% देखने मिलता है। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहने का ऐसे जातक नियम हमेशा रखते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से अच्छी खासी ऊपर गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। अपने आप को बहुत सही ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाने में आप सक्षम रहेंगे,
एक समय पर एक से ज़्यादा काम सही ढंग से संभाल सकने में यानी मैनेजर लेवल आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मार्केटिंग सेल्स और बिजनेस लक यह ऑटोमेटिकली डेवलप करता है, जिसके कारण सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ग्रेस्पिंग स्किल्स भी यहाँ पर बहुत अच्छी आती है। तो जब आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे या टीचिंग में इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस के रूप में उन सब तरह के कार्य को करते हुए पाए जाएंगे मरकरी के कारण। और मरकरी आपको काम में आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आप घर से ही किसी भी तरह का काम शुरू कर सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा चल रहा है नया जीवन नया नींव रखने का, इसीलिए यह मरकरी के सपोर्ट के कारण यानी आपके पास जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाव पर आप जो भी काम शुरू करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर अगर हम लक लाइन के ऊपर भी आएँ तो लक लाइन की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। आफ्टर 46-7 लक लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ कंडीशन में आ रही है। माइंड लाइन से भी बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेसिव लाइन निकल रही है जो अभी हम पाम पिक के क्लोजअप में देखेंगे। इन सब से बिल्कुल अलग हटके प्योरली रेक्टेंगल का साइन बन रहा है जो सिर्फ घर बनने के योगों को ही नहीं दर्शाता है बल्कि खुद का एम्पायर खड़ा करने के योगों को भी इंडिकेट करता है। तो इसीलिए आपका मरकरी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल सही समय चल रहा है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जितना लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं नए नए तरह के काम करते हैं रिस्क लेते हैं उतना लाइफ बेटर होता जाता है। तो आप जैसे जातकों की आदत ही होती है अपने काम में अपग्रेडेशन माइन्यूट लेवल पर चेंजेस और यूनिक वे से किसी भी तरह का काम करने की, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप का नेचर क्वालिटी बिल्ड करता है। फिंगर सारी के सारी इंडिपेंडेंट है जो ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बोल्ड माइंडेड पर्सनैलिटी को भी दर्शा रहा है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली काइंडली टाइप का बना रही है जो जुपिटर भी इंडिकेट किया है। तो आप लंबे मधुर अच्छे रिश्ते लेकर के चलने वालों में से दिखाई दिए हैं। आपके पास भले ही बहुत बड़ी संख्या ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव टाइप के रिलेशंस देखने को यहाँ मिल रहे हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप अच्छे हो रहे हैं जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में ला रहा है, क्योंकि सन माउंट पे जब भी मल्टीपल लाइंस देखने को मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। बिल्कुल लाइफ को लेकर के क्लैरिटी नहीं होती, खासकर करियर को लेकर के, लेकिन वही यहाँ पर बहुत स्लाइटली लेवल पे फिश शाइन का कॉम्बिनेशन आना शुरू हो रहा है जो व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसा कार्य जीवन में करना जो आने वाली जनरेशन को भी हेल्प करे या आने वाली जनरेशन के नाम सम्मान में बढ़ोतरी करे। तो ये फिश सिंबल अधूरा है, जुपिटर पे भी साइन अभी अधूरा है। जैसे लाइफ एनर्जी आपकी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी आपके अंदर बल ऊर्जा जिस हिसाब से बढ़ना शुरू होगा अच्छा, उस हिसाब से सभी तरह के चिन्ह ऐसे मजबूत होना शुरू होंगे जो तुरंत के तुरंत आपके जीवन शैली में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल है। इंटरनल मार्स से ही अधिकतर आपकी वरी लाइन क्रिएट होती रही है। तो यहाँ पर मंगल देव की आराधना आपको लगातार करते रहना चाहिए। इसका तात्पर्य है उग्र देवी देवताओं की आराधना। ये करने से होगा ये कि आपके मंगल जो नेगेटिव हो रखे हैं, क्योंकि मंगल का एक ही काम है हेल्थ को तो लेकर के है ही, लेकिन किसी भी तरह के काम को पूरा कराना नहीं तो आधा अधूरा ही छुड़वा देना। तो यहाँ पर जैसे मंगल की एनर्जी पॉजिटिव होगी तो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन एग्रेशन जैसी चीज़ें खत्म होगी जो हेल्थ के रिगार्डिंग बार बार जनरेट हो रही हैं। हेल्थ अच्छा होना शुरू होगा, किसी भी काम में फोकस डिवोशन गोल के रिगार्डिंग बहुत जोरों शोरों से लगते हुए देखने को मिलेंगे और सभी तरह के गोल कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने के साथ में किसी भी तरह के कार्य को पूर्ण करने की योग्यता भी सर्वप्रथम बढ़ जाएगी। थंब के यहाँ कॉम्बिनेशन में सेकेंड जो पोर्शन है वो डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण यह तर्क वितर्क करने की बहुत अच्छी क्षमता को दर्शाता है। आप जैसे जातक जब लॉजिकल वे से बातचीत करने जाते हैं तो किसी की बोलती बंद कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिकल लॉजिकल और एकदम पिन पॉइंट वे से यह अपनी बातों को डिलीवर करवा देता है। दूसरा, ये थंब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है जिसके कारण स्टबर्न टाइप का जो नेचर है वो बहुत रेयर यहाँ देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस भी विषय में आपका जिद आएगा जब तक वो पूरा नहीं होगा आप शांति से नहीं बैठेंगे। यहाँ पर यह का साइन भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ है, जिसके कारण यह इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस आपको बहुत अच्छा दे रहा है। पूर्व अनुमान आभास लगना, चीज़ों के बारे में पहले से ही कहीं ना कहीं संकेत आने लगना, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखने लगना, रैंडमली कुछ बात कह दी हो और तुरंत लग जाना, ये सब तरह की चीज़ें यहाँ होना शुरू हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा फिर ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं,
उतना ज़्यादा यह साइन एक्टिव होता जाता है, जिसके कारण स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ तमाम तरह का मटेरियलिज्म भी लाइफ में ला करके देता है। इस तरह की सीधी खड़ी रेखा सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। तो आप जिस जातक वो इंसानों में से आते हैं जिनके पास जाके समस्या रखी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा समाधान निकाल सकने में सब जगह सक्षम होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन और फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा भी पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी को बार बार डेवलप कर रहा है आपके। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने, सर्कमस्टांसेस से फाइट करने, चीज़ों से उभरने में मदद करती रहती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकने में सक्षम है। यह आपका एयर एलिमेंट हैंड है और एयर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ी इच्छा, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति, बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस या लीडर बनाते हुए देखने को अधिकतर मिला है। क्योंकि यहाँ पर एयर एलिमेंट हैंड में जो थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं जीवन में वो बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। थॉट प्रोसेस यानी सिर्फ इच्छा, मनोकामना, ये सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहती। अपन यानी खुद बहुत बाद में आते हैं, सर्वप्रथम दूसरे लोग आप जैसे जातकों के लिए प्राथमिकता रखते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आप निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के जीवन में अपना किरदार भली भांति निभाते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जुपिटर के ऊपर में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये सब आपकी प्रोग्रेस लाइन्स हैं। ये सब लाइन हेल्प करती है हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए और हिम्मत देती है ये रेखा कि कल से अच्छा आज का दिन हो, आज से अच्छा कल का दिन हो। और बहुत कम उम्र में जब ये जागृत होती है, जैसे आपके केस में उम्र 6 से लेकर के 18 के मध्य में ये सर्वाधिक जागृत हुई है, तो इसी पीरियड में लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, अपग्रेडेशन, मेंटेलिटी में ग्रोथ, ये सब तरह की चीज़ें देखने को मिली है। दूसरा, जब इधर पर आड़ी रेखा आ जाती है तो यही इच्छा मनोकामना अपने तक सीमित नहीं होती, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जागृत होने लगती है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज फील करने वाले, ये स्पिरिचुअल हीलर भी देखने को मिल जाते हैं अगर मरकरी का सपोर्ट आ जाए तो। यह कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आप जब जब धार्मिक यात्रा करेंगे किसी भी तरह की इच्छा को रख करके वो पूरी हो जाएगी। जब जब सामाजिक रूप से कोई भी कार्य करने जाएंगे, बड़ा सम्मेलन रखेंगे, पूजा पाठ रखेंगे, सब तरह की चीज़ों में आपको कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि जो रिजल्ट है किसी प्रकार के डिज़ायर एम्बिशन को लेकर के वो तो बहुत बाद में है, सर्वप्रथम आप खुद हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून, शांति, आनंद और बहुत ज़्यादा एकदम खुलापन महसूस होगा, सकारात्मक महसूस होगा। तो ये जुपिटर की लाइंस आपको पुण्य कमाने का बहुत मौका दे रही है और यह पुण्य का लाभ फिर बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है, बच्चों को सीधे लगता है, इसीलिए बच्चों का भाग्य भी अच्छा होता है और बच्चों से जो आकांक्षा रहती है वो सभी पूरी हो जाती है। इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल और ओल्ड एज में बहुत अच्छी सेवा देते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भावना और इस तरह के कार्य आपने अपने माता पिता या अपने बड़ों के लिए भी रखा है, किया है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखा है। आपको इन सब फील्ड में जो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग करा दे, डायरेक्टली यहाँ पब्लिक से, रिलीजन एक्टिविटी से इन्वॉल्वमेंट करा दे, इवन पॉलिटिकल वे से भी कनेक्शंस आपको आफ्टर 50 देखने को मिलने लगेगा। तो ये साइन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बस हमें यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन को एक्टिव करने पे ध्यान देना है, तब ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति यहाँ पर देगा। जुपिटर फिंगर के थर्ड पोर्शन में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो कभी भी ससुराल पक्ष से या फैमिली में अपने बच्चों और पति को छोड़ के बहुत ज़्यादा सहयोग मिल नहीं पाता बाकी सबसे, या कदर मिल नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा उनके लिए डिवोशन, डेडिकेशन सब कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपको इन सब जगह देना ही है, आप अपेक्षा ज़्यादा मत रखिए। अब यही चीज़ को हम सन माउंट पे देखने आएंगे तो क्लियर कट अभी फिश सिंबल तो आ रहा है, लेकिन उसके पहले क्रॉसेस के साइन है। तो यह बदनामी को, धोखाधड़ी को, मिसगाइड, मिसयूज होने को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी के लिए कुछ भी किया गया हो लेकिन किसी तरह का एक तरीके से सम्मान या नाम रख लेना या फिर कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड रख लेना वो देखने को नहीं मिलता, उल्टा दबाया जाता है। सकारात्मक चीज़ों को दबाया जाएगा, नकारात्मक चीज़ों को बाहर बार बार निकाला जाएगा। तो ये अपने ही लोगों के द्वारा होता है, तो इसीलिए आपको अधिकतर काम दूसरों के लिए करने के लिए परमात्मा ने प्रेरित किया है, बनाया है। इसीलिए आप बिल्कुल सामाजिक कार्य करिए, वहाँ पर इन सब तरह की दिक्कतें नहीं आएगी आपको। आपकी जो रियल वैल्यू है वो घर परिवार से बाहर जा कर के है। शनि के क्षेत्र के ऊपर में देखेंगे तो स्पेसिफिक लाइंस अवेलेबल हुई हैं और यह सब तरह की लाइंस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देती हैं लाइफ में।
जब भी सैटर्न एंड जुपिटर के मिड से रेखा आती है तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा करती है, पिन पॉइंट वैसे आंसर करवाती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपको नॉलेज और सैटर्न यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कर्म और गुरु यहाँ पर धर्म, ये दोनों मिल करके बहुत पिन पॉइंट वैसे बात करना, आंसर करना, हर तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेना जो थम पे भी दिखा यह इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो इनिशियल लेवल से अच्छी रही है कि आपके बर्थ के बाद में आपके फैमिली की कंडीशंस जिसमें रिसोर्सेज खासकर है मटेरियलिज्म है उन सब में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। फिर बीच बीच में आपने अपने स्तर पे भी अच्छी खासी लर्निंग की है, क्योंकि इन सब मरकरी लाइन्स बिजनेस को डिनोट करती है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं हो पाता इंसान का तो कहीं ना कहीं टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 27 और 29-30 के मिड में हुई है। इसके बाद में आपकी लक लाइन थोड़ी सी फैली है लेकिन जुपिटर की तरफ झुकी है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन आफ्टर 34 अच्छा हुआ है। फिर इसके बाद जो लक लाइन है आपकी वो यहाँ पर ब्रेक ली है 38 से लेकर के 42 के मिड में, और उसके बाद में धीरे धीरे कर लक लाइन फिर स्मूथ हुई है और 46 के बाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बढ़ रही है। तो ये पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके करियर को लेकर के, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर लक का सपोर्ट पूरा आ रहा है और किसी तरह का हेल्थ इशू या अनदर ट्रबल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके बाद की जिंदगी हर विषय में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी निर्मित हो रही है। किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, एज अ मीडिएटर वर्क करना, कंसल्टेंट किसी भी रूप से बनना, इस तरह के साइन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे विद्या रेखा कहते हैं। इसमें हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता दूसरों के काम आता है, क्योंकि आप जैसे जातक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, इसलिए जब दूसरों के कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं तो दूसरों का काम भी बनता है और खुद भी बहुत ज़्यादा समृद्धि आती है। अब इस सूर्य के ऊपर में मल्टीपल लाइंस होने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेक्शन पहले लाइफ में आता है, जैसे हर तरह का काम करना, हर तरह के काम में हाथ आजमाना, हर तरह का इंटरेस्ट पेशन हो भी आ जाना, हर तरह की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाना। लेकिन जब यहाँ पर क्रॉस डेवलप होता है तो बहुत ज़्यादा धोखा, मिसगाइड, मिसयूज इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने खुद के गोल से, अपने खुद के सोल से डिस्ट्रैक्ट या डिस्टेंस बनाते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरों पर जल्दी भरोसा होता है, दूसरों के अनुसार ज़्यादा चलते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपके भोलेपन का दुरुपयोग किया जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में सबसे पहले बताया जाता है कि अपनी गुप्त बातें मत बताएं, क्योंकि मिसयूज हो जाएगा। पैसों का लेन देन ना रखें क्योंकि पैसा ही वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि इन सबसे परे ये सभी तरह के स्ट्रगल ने आपको और ऊपर ही उठा दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन है जो यशस्वी योग का निर्माण करता है, और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रईस जीवन में बनते हुए पाए जाते हैं, जिनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जिनका रिलेशन कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिनके कॉन्टैक्ट के बलबूते पर ही बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। दूसरा इधर पर फिश सिंबल यानी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अपनी योग्यता है वो कहीं ना कहीं निर्धारित कर देना, बतला देना समाज में। अधिकतर मामले में फिश सिंबल में एम्पायर खड़ा होता है यानी बिजनेस डेवलप होता है बड़े स्तर का, लेकिन यहाँ पर अगर बिजनेस भी डेवलप नहीं होता है तो भी कहीं ना कहीं पद सम्मान बहुत बड़े स्तर का मिलता है, जिसका लाभ बहुत सारे लोग उठाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इन सब तरह के चिन्ह को हमें मजबूत करना है तो नेगेटिविटीज से दूर होने की सख्त ज़रूरत है, और वो क्या है अभी वो भी बतलाया जाएगा। दूसरा, जब यहाँ पर आड़ी रेखा आती है तो पिता या बड़े लोगों से पूर्णतः लाभ मिलने में दिक्कत होती है, एजुकेशन में भी ब्रेक आता है, और स्टमक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी देखने को बार बार मिलता है। तो सन रेमेडी के बाद में इन सब तरह के इश्यूज भी खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। हृदय रेखा के जस्ट ऊपर में और मरकरी माउंट के ऊपर में इन सब तरह की लाइन्स होना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। यही कॉम्बिनेशन है जो हीलर बनाता है, जिनके हाथों में शिफा होती है, जिनकी वाणी में बहुत ज़्यादा मधुरता होती है, जो अपने कर्मों से, बातों से, व्यक्तित्व से किसी को भी अच्छा कर सकने में, हील कर सकने में, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को संभाल सकने में, अपने द्वारा दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर सकने में, कन्विंस, मैनिपुलेट कर सकने में सक्षम जो हो जाते हैं, तो ऐसी लाइन आ जाती है। अधिकतर ये लाइन्स डॉक्टर के हाथ में पाई जाती है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ट्रेडर बिजनेसमैन के हाथ में पाई जाती है, परंतु इसका सीधा तात्पर्य होता है ग्रेट लेवल का इन्फॉर्मेशन, ग्रेट लेवल की हीलिंग कैपेबिलिटी, कि जिस चीज़ को छू दिया वो चीज़ अच्छी होनी ही है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपकी वाक शक्ति में आई है, इसीलिए आप जब असहाय लोगों से मिलेंगे, एकदम नए नए लोगों से भी मिलेंगे, तो उन्हें लगेगा ही नहीं पहली बार आप मिल रहे हैं, कि ये मरकरी का स्ट्रेंथ है आपके। तो इसीलिए इस कंडीशन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ करना और हीलिंग के रिगार्डिंग भी काम करना
आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल साबित होने वाला है। हृदय रेखा में से जब रेखा नीचे की तरफ ज्यादा जा रही हो तो सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होती है और हार्ट लाइन में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। हार्ट लाइन में लगातार ब्रेक्स हैं, नहीं तो बार बार रेखाएं बिखर के जा रही हैं और फैल रही हैं। ये एक तो इमोशनल ट्रबल को भी रिप्रेजेंट करता है। जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए रहते हैं लाइफ में, इमोशनल डिस्टर्बेंस जिनमें बहुत ज़्यादा मिलता है, और वो खासकर इमोशनल हार्ट ब्रेक के कारण ही होता है, तो ये लाइन डेवलप होती है। दूसरा, जब कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने को मिले, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस हो, तो भी इन सब तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी तो करना है, वो भी सजेस्ट किया जाएगा क्या करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर रखने से बचना है, इमोशनल डिसीजन इमोशनल एक्टिविटी करने से बचना है। प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में जितना आप उधार अपना या दूसरों का कर सकते हैं, उतना इमोशंस में आकर के आप नहीं कर पाएंगे। इमोशंस में आकर खुद डिस्टर्ब बार बार हो जाएंगे, क्योंकि सब कॉम्बिनेशन इसके विरुद्ध में है। इतनी हार्ट लाइन फेल करके चलना, इसका सीधा तात्पर्य है कि बहुत सारी बातें अभी भी अंदर दबी हुई हैं, उन सारे इमोशंस को बाहर निकालना ज़रूरी है ताकि टॉक्सिन्स जितने अंदर है वो सब बाहर निकल सके। और ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि जुपिटर से प्योर हार्ट लाइन का कनेक्शन है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, डेडिकेटेड, सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देता है। तो आप जैसे जातकों को लेना आता है, यानी देना आता है, लेने का कोई भाव रहता ही नहीं है कभी। ज़रूरत के समय भी जो लोग हाथ नहीं फैलाते हैं वो आप जैसे जातकों में आते हैं, जिनका थंब इतना स्ट्रॉन्ग और हार्ट लाइन जुपिटर को छू जाए, क्योंकि मरना पसंद करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करेंगे, हाथ फैलाना पसंद नहीं करेंगे। परमात्मा ने वैसा बनाया ही नहीं है कि आप जैसे जातक तक हाथ फैलाएं। तो इसीलिए बड़े स्तर पर जब आप काम करेंगे, बड़े गोल के लिए जब आप काम करेंगे, तो अल्टीमेटली जुपिटर आपका एक्टिव होगा और तब जाकर के इस हार्ट लाइन को भी स्टेबिलिटी आएगी, इमोशन स्टेबिलिटी, मूड स्विंग का प्रॉब्लम खत्म होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा सिक्योर पॉजिटिव महसूस आप करना शुरू करेंगे। माइंड लाइन पे भी डबल लाइन का फॉर्मेशन हमेशा से रहा है, जो मेंटल प्रेशर व्यक्ति को जीवन में देता ही रहता है। अब जैसे इसमें मंगल का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन अवेलेबल हुआ है, जिसके कारण यह मांगलिक भी बनाता है, परंतु यह बहुत जल्दी हाइपरटेंशन, वरीज, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन देता है, जो 23-24 केस तक पहले आपको ज़्यादा थी। मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से भी आप कहीं ना कहीं गुजरे हैं और बचे हैं बाल बाल, क्योंकि जुपिटर ने आपको बचाया है इन सब तरह की चीज़ों में। अदरवाइज ये बहुत बड़े स्तर पर लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है। ये समय जीवन में 15 से लेकर 17 के मिड का दिखाई दिया है, और दो और रिलेशन की रिगार्डिंग ट्रबल 22 में और 24 में आता दिखाई दिया है। इसके बाद राहु लाइन के द्वारा मेंटल डिस्टर्बेंस 27 में और 33 में दिखाई दिया। फिर इसके बाद माइंड लाइन फेल करके चलना, यानी कन्फ्यूजिंग माइंड सेट ये देता है फिर से, और फिर उसके बाद माइंड लाइन आगे चल के स्मूथ हुई है। तो यहाँ पर जब डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये माइंड लाइन अपने फायदे के लिए कोई काम करता ही नहीं है, अपने लिए हमेशा कन्फ्यूजन और दूसरों के लिए हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। अब यहाँ से भी मर्करी लाइन आपकी निकलना शुरू हुई है, बहुत सारी स्मूथ लाइंस यहाँ पर डेवलप होने लग रही है। ये सब साइन नए तरह के इन्वेस्टमेंट को, नए तरह के एक्टिविटी को, नए तरह के बिजनेस को क्रिएट करने के लिए मजबूर कर रही है। इन सब तरह की लाइंस का एक ही गोल है, आपको आपके स्तर से ऊपर उठाना, आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करना, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क डेवलप करना और अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाना। ये सब चीज़ों के कारण हुआ ये है कि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, जो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। मंगल दोष यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, इस तरह की आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु देती है, इस तरह की आड़ी रेखा मन में विचलन देती है, तो मंगल का उपाय करना सर्वाधिक यहाँ पर जरूरी है, तब जाकर के ये सब प्रॉब्लम खत्म होकर। मंगल दोष यहाँ पर बार बार दिखाई दे रहा है, जो पितृ ऋण के अतिरिक्त भी आता है। अभी बहुत अच्छा समय आ रहा है पितृपक्ष, इसमें काम आपको करना रहेगा, ये सब तरह के प्रॉब्लम आपके डिजॉल्व होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल अभी तक किसी का बहुत ज़्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर सपोर्ट मिला नहीं, टेम्परेरी बेसिस पर मिलता रहा, लेकिन अब जा करके इस साल से आपको मिलना शुरू होगा। जितनी भी वरी है फैमिली को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, सब खत्म होगी, प्लेजर फुलफिलमेंट बढ़ेगा, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी सब बढ़ेगी। जितना सेक्रीफाइस करके जीना था जी लिए, अब वैसा समय नहीं दिखाई दे रहा है। फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन केतु और शुक्र पे इतना प्रोमिनेंट, मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन और प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चंद्रमा की एनर्जी अभी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। मर्करी लाइन को अभी और हमें डेवलप करना बाकी है,
तब जाकर के मनी ट्रायंगल बनेगा जो पैसा आएगा रुकेगा सदुपयोग कराएगा, प्योर रेक्टेंगल और फिश साइन बनेगा जो बहुत बड़े स्तर पर प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी देगा, और स्क्वायर का साइन हर विषय में सिक्योरिटी और सक्सेस आपके लेवल आपके लाइफ में बढ़ा देने वाला रहेगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो मेजर लकलाइन आपके क्रिएट हुई है देख सकते हैं, एक लकलाइन एंड हुई, सेकेंड लकलाइन यहाँ पर जो क्रिएट हुई ये डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट की है। लाइफ लाइन के फ्लो में भी हम देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी एक अलग से यहाँ पर लाइन जनरेट होकर पूरा लाइफ लाइन को लॉन्ग कर गई है। सन माउंट के ऊपर भी हम देखेंगे तो बायफर्क का कॉम्बिनेशन ला दी है, यह लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन को अर्निंग और करियर स्टेबिलिटी को वेल्थ स्ट्रेंथ बढ़ने और क्रिएट होने की योग को इंडिकेट कर रहा है, और इन सब चीज़ों का सीधा तात्पर्य हेल्थ से है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के पूरे योग यहाँ दिखे हैं। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें, तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।